हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी से फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होनेतः या शिक्षक भर्ती परीक्षा को कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है वो भी दिए नैन ऑथेंटिक तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं अपडेट्स आई तो प्रोवाइड करता रहता हूँ लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कल से नवरात्र शुरू हुए हैं जल्दी अपडेट देने के चक्कर में मैंने आप लोगों को दोस्तों नवरात्रों की बधाई या फिर शुभकामनाएं नहीं दी हैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आज दोस्तों आप सभी को जितने भी व्यूअर्स हैं सभी दोस्तों शुभ नवरात्रे जितने भी हमारे वीडियोस हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को उनके परिवार को दोस्तों नवरात्रे की बहुत बहुत बधाइयाँ तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं तो इसी के साथ दोस्तों हैप्पी नवरात्रे अब शुरू करते हैं उनत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब से रिजल्ट जो रिजल्ट या फिर उत्तर कुंजी को लेकर दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को फेक न्यूज़ जो है मिलती जा रही होंगी कि रिजल्ट उत्तर कुंजी मंडी को जारी हो जाएगा देखो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट ऐसी नहीं आई है लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों अब सरकार जो है एक अहम घोषणा कर सकती है उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों अब मैं कह

के अंदर एक केस लगा हुआ था, उसकी सुनवाई चार अप्रैल को होनी थी लेकिन नहीं हो पाई आगे कब होगी अभी तक दोस्तों इस अपलोड नहीं हुआ है बट कल 208 सौ आठ अप्रैल को एक अहम सुनवाई होने वाली है इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर अब उस पर दोस्तों डिपेंड होगा सरकार का डिसीजन कि सरकार आगे की दोस्तों अपनी जो रणनीति है वो क्या करने वाली हो सकता है दोस्तों कल के जो डिसीजन के बाद या फिर कल की सुनवाई के बाद सरकार अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर देगी ऐसी संभावना लगाई जा रही है और सरकार दोस्तों अपनी जो अहम घोषणा वो करने वाली है तब तक दोस्तों अफवाहों से बचे ये कैसे कहीं पर भी दोस्तों आप लोगों को अगर ये बताया जा रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथ में दोस्तों कुछ पेपर की कटिंग को लेकर आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ जिस पेपर की कटिंग में ये बताया गया है उसमें एक्चुअली जो शिक्षा मित्र है जो टेट पास शिक्षा मित्र

जाएगा बिकॉज सरकार अहम घोषणा करने वाली है इस चीज को लेकर आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि डबल बेंच में अपील फाइल करने के लिए सरकार को जितने भी याची बने हुए थे उनको पार्टी बनाना होगा उन सभी को दोस्तों पहले नोटिस भेजना होगा उसके बाद ही दोस्तों डबल बेंच में अपील फाइल होगी तो थोड़ा सा समय जो लग रहा है वो इसकी वजह से लगेगा तो अब तक दोस्तों सरकार ने लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया है कि सरकार किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं लेकिन अब दोस्तों कल की एक अहम सुनवाई के बाद अब दोस्तों फाइनल हो जाएगा कि सरकार किस तरफ जा रही है और किस तरफ नहीं क्योंकि दोस्तों आठ अप्रैल को सुनवाई होने वाली है पेपर कैंसिल को लेकर जिसमें दोस्तों सरकार से काउंटर गया है जिसमें भी दोस्तों अगर काउंटर मांगा जाता है तो कहीं कही ना कहीं दोस्तों उस केस को जो है काफी बारीकी से सुना जा रहा है इसलिए उसके अंदर काउंटर और एजेंडा जैसे जो तत्व मांगे गए हैं जिसके एविडेंस है जो मांगे गए हैं जिसकी वजह से दोस्तों उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा किस तरह मोड़ लेगी दोस्तों कल ही पता चलेगा कल की सुनवाई के बाद ही दोस्तों सरकार जो है अपनी एक अहम घोषणा करने वाली है इस चीज को लेकर साथ में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो लोग नीचे दोस्तों कमेंट करते हैं गुडांग को लेकर देखो गुडांग को लेकर मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कल का मैंने वीडियो बना दिया है मैंने 240-45 के आसपास जो सेफ जोन में रहेंगे उनको लेकर वीडियो बनाया है मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं दोस्तों उनके लिए वीडियो बनाया कि चालीस पैंतालीस पे भर्ती होगी जब तक दोस्तों सौ भर्ती जिसपे होगी तब तक ही दोस्तों गुड़ांग जो एक एक, एक मतलब की स्पेशल गुडांग बनाया जाएगा जिसपे भर्ती तब सम्पन्न होगी अभी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों की ऑन डिमांड मैंने वीडियो बना दिया है आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस वीडियो को लिंक मिल जाएंगे तो दोस्तों अपडेट के बाद ही आप सभी को फाइनल होगा कि कल का क्या होने वाला है इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर और दोस्तों से दूर रिजल्ट उत्तर तो तो कुंजी में अभी समय लगेगा जो भी रियन ऑथेंटिक अपडेट होगी दोस्तों सबसे पहले सबसे सटीक और फास्ट तरीके से ऑनलाइन अड्डा फॉर चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी सो तो गाइस थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो